हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी। तो 9 फरवरी के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिख कर सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से इसे आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 8 फरवरी करंट अफेयर्स पढ़े थे तो लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो कल का आपका सबसे पहला टेस्ट है कि जुआन गाइडो किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए। तो जो जुआन गाइडो है ये हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही था। और दूसरा टेस्ट था आपका, किसी कोलंबिया गणराज्य में भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है संजीव रंजन, जो कि हाल ही में कोलंबिया गणराज्य में हमारे भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका ए। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। और आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनाया गया किन्हें। तो उनका नाम है डेविड मलपस। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये है डेविड मलपस, जो कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे जिम योंग किम। हमने कई बार पढ़ा है जिम योंग किम का नाम। तो जिम योंग किम, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह पर नियुक्त है डेविड मलपस। डेविड मलपस की नियुक्ति किन्होंने की है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में? तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने डेविड मलपस की नियुक्ति की है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में। डेविड मलपस के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। देखिए, जो डेविड मलपस है ये प्रेजेंट में अमेरिका के कोषागार विभाग में अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए फिर तो। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई है 1944 में। हेडक्वार्टर इसका यूएस के अंदर वाशिंगटन में है। इंटरिम प्रेसिडेंट और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है? जिसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। आज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन होगा, भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक ऑर्गेनाइज की गई है। तो उस देश का नाम है बांग्लादेश। हाल ही में हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में 2019 में 5वीं संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक ऑर्गेनाइज की गई है। और देखिए, इस बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए ना स्पेशली बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन, वो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। ये तो मैंने आपको बता दी कि 2019 में 5वीं बैठक ऑर्गेनाइज की जा रही है संयुक्त सलाहकार समिति की, जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये बैठक न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है। 5वीं बैठक तो आप लोगों को पता लगे कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है, पर इसकी चौथी बैठक कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो इसकी चौथी बैठक ढाका में ऑर्गेनाइज की गई थी बांग्लादेश के अंदर। और संयुक्त सलाहकार समिति की जो चौथी बैठक है ना, ये अक्टूबर 2017 में ऑर्गेनाइज की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो बैठक है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है ना। यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अगला क्वेश्चन होगा आज का हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2019 में हमारा जो भारत है वो 36th रैंक पे है। देखिए, ये जो रैंकिंग है ये टोटल 80 देशों की रैंकिंग की गई थी, जिसमें से हमारे भारत को 36th रैंक मिला है। पर जब 2018 में ये रैंकिंग की गई थी ना, तब हमारा भारत 44 रैंक पर था, पर अब हमारे भारत ने 8 रैंक का सुधार कर लिया है, तो 36th रैंक पे पहुंच गया हमारा भारत। ये आपको बता दिया कि हमारा भारत 36th रैंक पे है, पर पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कौन से देश है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर है स्वीडन, और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इस रैंक में 47th रैंक पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है फ्रैंकोइस लैबोर्डे। फ्रैंकोइस लैबोर्डे को हाल ही में उनके कार्यों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया फ्रांस के।
फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो वो है लीजर ऑफ ऑनर, तो वो है लीजर ऑफ ऑनर सम्मान। देखिए फ्रांकोई लैबोडे को ये सम्मान क्यों दिया गया लीजर ऑफ ऑनर, तो इन्होंने विकलांग बच्चों के लिए एक हार्वर्ड साउथ पॉइंट की स्थापना की है। ये एक तरह की संस्थान है हार्वर्ड साउथ पॉइंट, जो कि विशेषतर जो विकलांग बच्चे हैं और जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए काम करती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग फ्रैंकोई लैबोर्डे के बारे में नोट कर लीजिए। देखिए जो फ्रैंकोई लैबोर्डे है ये है तो फ्रांस मूल के, पर इन्हें हमारे भारत की नागरिकता प्राप्त हो चुकी है। और जो फ्रैंकोई लैबोर्डे है इन्हें ये पुरस्कार कहाँ दिया गया है? तो भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पश्चिम बंगाल से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हमारे भारत के तीसरे व्यक्ति हैं। वैसे कई सारे व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिल चुका है, पर पश्चिम बंगाल से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले तीसरे व्यक्ति हैं फ्रैंकोइस लैबोर्डे। पहले दो व्यक्ति कौन थे? तो पहले थे सत्यजीत रे, जिन्हें 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था, और दूसरे थे सौमित्री चटर्जी, जिन्हें 2018 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इन्हें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के अंदर जो फ्रांसीसी राजदूत है जिनका नाम है अलेक्जेंडर जिगलर, उन्होंने इसे सम्मान से सम्मानित किया इन्हें फ्रैंकोइस लैबोर्डे को। फ्रांस के बारे में भी पता चाहिए क्योंकि ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है लीजर ऑफ ऑनर। यहाँ पर है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर है एडोर्ड फिलिपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी फ्रांस के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन होगा हमारा, परमाणु टेक 2019 सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो जो परमाणु टेक 2019 सम्मेलन है ना, ये हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दी ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका पिक्चर क्यों दिखा दी मैं आपको, क्योंकि जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने इस परमाणु टेक 2019 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है ये भी बताती हूँ। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री हैं ये। और इस सम्मेलन में क्या होगा कि जो रेडिएशन टेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा है उसके संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस सम्मेलन में। आज का अगला क्वेश्चन होगा, किसने हाल ही में थाईलैंड में EGAT कप में स्वर्ण पदक जीता? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये मीराबाई चानू, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड में EGAT कप में गोल्ड मेडल जीता है। EGAT इसकी क्या फुल फॉर्म है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड। मीराबाई चानू के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये हमारे भारत की वेट लिफ्टर है और इन्होंने 48 किलोग्राम वर्ग में 192 किलोग्राम वजन उठाकर इस कप को अपने नाम किया है। और मीराबाई चानू ने 2017 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें कौन कौन से और अवार्ड मिले हैं? तो 2018 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया इन्हें। थाईलैंड के बारे में भी बता देती हूँ आपको, यहाँ पर थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी है बहत और प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान ओ चा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने मोबाइल ऐप डिगी कॉप लॉन्च की है? तो शहर का नाम है चेन्नई। हाल ही में चेन्नई पुलिस ने डिगी कॉप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के थ्रू क्या होगा कि अगर आप लोग किसी से पुराना फोन खरीदते हैं ना, तो आप इस ऐप के थ्रू पता लगा सकते हैं कि ये जो फोन आपने खरीदा है वो कहीं चोरी का तो नहीं है। और इस ऐप के थ्रू आप लोग आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन कौन कौन से हैं और आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है, और अगर आपका कोई मोबाइल फोन चोरी हो जाता है या फिर आपका कोई व्हीकल चोरी हो जाता है तो उसका भी पता लगा सकते हैं आप लोग इसे डिगी कॉप मोबाइल ऐप के थ्रू। आपको लोकेशन पता लग जाएगी इस मोबाइल ऐप के थ्रू उसका। और इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किसने किया है? तो चेन्नई पुलिस की जो कमिश्नर है जिसका नाम है AK विश्वनाथन, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। आज का अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है श्री शैलेश। देखिए श्री शैलेश को हाल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव यानी कि सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। पर आप लोग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्री का नाम भी याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका नाम, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। अब श्री शैलेश के बारे में बताती हूँ आपको मैं। देखिए जो श्री शैलेश है 1985 बैच के असम मेघालय कैंटर के IAS ऑफिसर हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इनके बारे में। आज का अगला क्वेश्चन होगा, उज्ज्वला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जो उज्ज्वला उत्सव है ये हाल ही में
नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। और ये जो उत्सव है, ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, उसे बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया। और इस उत्सव में 3 राज्यों को शामिल किया गया है और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो इन 3 राज्यों के नाम है जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और असम। इन 3 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और देखिए, इस उत्सव के लिए एक सॉन्ग भी सिलेक्ट किया गया है। वो सॉन्ग है उज्ज्वला भारत उज्ज्वला, और इस सॉन्ग को लिखा है और गाया है कैलाश खैर ने। उज्ज्वला योजना के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसके तहत क्या होगा कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें फ्री में LPG कनेक्शन बांटे जाएंगे। हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री का नाम कैसे आप लोग भूल सकते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, SBI बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने हाल ही में SBI पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्सिस बैंक और यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक पर भी ये जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया गया? तो इन सभी बैंकों ने, इन चारों बैंकों ने RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये जुर्माना लगाया गया है। बैंकों के बारे में बताती हूँ आपको। SBI फुल फॉर्म बता चुकी हूँ मैं आपको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। स्थापना हुई है SBI की 1 जुलाई 1955 में। टैगलाइन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो टैगलाइन है, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक ऑन अस। RBI के बारे में बताती हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में ही है, महाराष्ट्र के अंदर। गवर्नर का नाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर नियुक्त हुए हैं 2018 में। उनसे पहले कौन थे? तो 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। और अगर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है, तो सबसे पहले कौन नियुक्त हुए थे? तो उनका नाम है ऑस्बोर्न स्मिथ। इतनी इम्पोर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको बैंकों के बारे में याद रखना है, जो कि मैंने आपको बताया। आज का अगला क्वेश्चन होगा, नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में NH यानी कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। और ये देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में NH31D पर कालाकाटा और जो सलसला बाड़ी सेंक्शन है, उनके बीच में 4 लेन सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। सड़क परियोजनाएं बनाई जाएंगी और ये जो सड़क बनाई जाएगी, 4 लेन नेशनल हाईवे बनाई जाएगी, ये 41.7 किलोमीटर लंबा होगा। पश्चिम बंगाल के बारे में भी बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294। फोक डांस है गंभीरा नेशनल पार्क है जलादापरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कि आयुष के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो उनका नाम है श्रीपद एसो नायक। की जो आपको पिक्चर दिखाई रही है, श्रीपद एसो नायक, इन्होंने हाल ही में आयुष मंत्रालय के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आयुष की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि श्रीपद एसो नायक कौन है। तो ये हमारे आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया श्रीपद एसो नायक के द्वारा। आयुष की फुल फॉर्म है, ए से है आयुर्वेदा, वाई से है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्ध, एस से होम्योपैथी। तो आयुष की फुल फॉर्म हो गई आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आपके एग्जाम से पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके 9 फरवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में आपको एक दो टेस्ट दिए जाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी जीता है, उस टीम का नाम बताना है। बट ये जो रणजी ट्रॉफी का खिताब है, ये सबसे अधिक बार किस टीम ने जीता है, उनका नाम भी बताना है आपको। दूसरा टेस्ट है, कोयला मंत्रालय ने किस शहर के ऊर्जा मंत्रालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए, उसका नाम बताना है चारों ऑप्शन में से। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।